आप लोग का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी पाव भाजी। आप देख रहे होंगे कि मैंने कलरफुल सब्जियां लिए हैं दो अलग अलग प्लेट में, सो दैट मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ कि ये प्लेट जो है आप जहाँ पे देख रहे हैं पाव भाजी के बेसिक इन्ग्रेडियंट्स जो होते हैं सब्जी के लिए, उसमें गाजर, आलू, कॉलीफ्लावर और बीन्स, ये चार होने ही चाहिए बॉइल करने वक्त। और ये प्लेट में मैंने इसको कट करके अलग से रख लिया है, इसको मैं दो तीन व्हिसल लगा करके अच्छे से बॉईल कर लूंगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें पानी का मात्रा सही जाना चाहिए। जैसे मैंने इतनी सारी सब्जियां ली है तो मैं इसमें दो ग्लास पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। और बॉयलिंग इसकी थोड़ा ज़्यादा जाती है, सब्जियाँ सारी गलनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ले चलती हूँ आपको सेकेंड प्लेट की ओर। इसमें क्या है, ये सारी वो सब्जियां हैं जो हमको फ्राई करके फिर उसको मिक्स करना है। तो मैंने इसके लिए लिया है दो मीडियम साइज का अनियन, इसको मैं फाइनली चॉप करूंगी छोटे छोटे। उसके बाद मैंने लिए हैं तीन मीडियम साइज टमाटर, इसको भी मैं चॉप करूंगी। तीन चार हरी मिर्च, इसको भी फाइनली चॉप। एंड मैंने लिए हैं यहाँ पे एक बड़ा सा शिमला मिर्च, ये भी कट करके जाएंगे। ये सारी सब्जियां फ्राई होंगी जिसमें हम उबाले हुए सब्जी को मिक्स करेंगे विथ सम मसाला। और ये गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता, किसी भी सब्जी का फ्लेवर ऐड करता है तो उसके लिए मैंने धनिया पत्ता रखा है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ सब्जी बॉईल करने के लिए, फिर मैं आपको आगे का वीडियो दिखाती हूँ। और ये देखिए, जैसा हमने आपको बताया हम इसको बॉइलिंग के लिए डाल रहे हैं। हम दो से तीन विसल रखेंगे, फिर भी अगर लगता है, मुझे लगता है कि दो से तीन में ये अच्छे से गल जाएगा, कुक हो जाएगा। आपके कुकर में अगर ज़्यादा सीटी लगती है तो आप एक सीटी ज़्यादा भी लगा सकते हैं, चार सीटी। इसमें हम डालेंगे एक ग्लास पानी, देखिए अभी और लगेगा इसमें, सब्जी थोड़ा ऊपर आ जाए पानी, इतना भर हम डालेंगे, अंदाज के लिए आपको बता रही हूँ। हाँ, अब ये लग रहा है मुझे कि हो जाएगा, मैं देख रही हूँ कि ऊपर तक आ गया है। इसमें हल्का सा पिंच ऑफ हल्दी डालूंगी, क्योंकि प्लेन नहीं कुछ बॉईल करते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी बॉईल कर सकते हैं। और हल्का सा मैं नमक डालूंगी। ये देखिए हमारी सब्जी परफेक्टली कुक्ड हो गई है। अब मैं इसको मैश कर रही हूँ, ठीक है। और ये मैंने दूसरी साइड प्लेट में सब्जी कट करके रख लिया है, जो हमें फ्राई करके फिर इसको मिक्स करना है विथ पाव भाजी मसाला एंड सम अदर स्पाइसेस, विल शो यू लेटर। मैंने अभी देखिए बटर में इस पाव भाजी को तेल में फ्राई ना करें, बेटर इसको बटर में फ्राई करें, या फिर अगर बटर नहीं है तो आप घी भी यूज कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई में एक चम्मच बटर डाल दिया है, आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो, मुझे हेल्दी बनाना है इसलिए मैंने कम डाला है। अब इसमें मैं डाल दूँ अनियन, अनियन को दो तीन मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, फॉलोड बाय ग्रीन चिली। ये देखिए हमारा ऑनियन हो गया, मैंने इसको करीबन तीन से चार मिनट फ्राई कर लिया है और ये मिड ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दी हूँ शिमला, कटी हुई शिमला मिर्च, और इसको दो तीन मिनट चला करके फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। अभी अपना शिमला मिर्च हो गया है मिड फ्राई, इसको बस 50-60% मैंने कुक किया है। अब इसमें ये जा रहा है तीन कटे हुए टमाटर, टमाटर डालने के बाद हम इसमें डाल सकते हैं हल्के मसाले, ये रहा हल्का सा हल्दी पाउडर, क्योंकि इसका कलर रेडनेस पे जाएगा येलो नहीं, तो थोड़ा सा मैंने पिंच ऑफ हल्दी पाउडर डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, तो एक स्पून मैं डाल दे रही हूँ, ये इतना तीखा नहीं होता है। और थोड़ा सा इसमें जा रही मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, एक चम्मच, एक आधी चम्मच एक्चुअली गरम मसाला। अब इसमें जाएगा नमक, हाँ इसमें स्वाद अनुसार हमने लगा वन स्पून इसमें जाएगा, हमने वन स्पून नमक डाल दिया है। नमक डालने में थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि हमने जो सब्जी बॉईल किया है उसमें भी थोड़े से नमक डाले हैं, तो इसमें मैंने भर के वन स्पून डाला। ये देखिए यहाँ पे हमारी सब्जी फ्राई हो गई है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला दो बड़ा चम्मच, और इसको एक दो बारी चला करके फिर हम अपने बॉइल्ड और मिक्स्ड वेज जो है वो इसमें मिक्स करते हैं। हमने पाव भाजी मसाला को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम पोर कर रहे हैं अपनी बॉइल्ड एंड मैश्ड वेजिटेबल, जो मैंने आपको पहले दिखाया है।
इसको हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। हमें अभी इसकी वाटर कंसिस्टेंसी सही लग रही है, आपको चाहिए अगर थोड़ा कम या ज्यादा लगता है तो आप डाल सकते हो थोड़ा सा पानी इसके ऊपर। और हमारी भाजी बनकर तैयार है, इसको हम गार्निश करेंगे धनिया पत्ता से। और ये देखिए हमारा भाजी बनकर तैयार हो गया है, हमने इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता और इसकी गार्निशिंग में बटर मस्त जाएगा। पाव भाजी का एक टिप्स है कि आपको बटर खुले हाथ इसमें डालना है, बटर थोड़ा ज़्यादा लगता है, मैंने आपको शुरू में ही हल्दी बोला था इसलिए मैंने फिर भी थोड़ा कम ही डाला है। ठीक है, ये हो गया है, अभी हम पाव बना करके। ये देखिए हमने पाव को बराबर से चाकू से काट लिया है, अभी हम इसको सेकेंगे बटर लगा करके। मेरा तवा गर्म है, मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बटर और यहाँ पे हम सेकेंगे। ये देखिए हमारे पाव सिक करके तैयार हो गए, मैं इसको थोड़ा सा बाई साइड भी कर लेती हूँ। अगर आप देखोगे तो अच्छे से बटर इसमें लग गए हैं और ये अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं जा रही हूँ इसको सर्व करने के लिए विथ आनियन एंड लेमन, मैं आपको फाइनल प्लेटिंग भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा पाव भाजी बनके तैयार है और मैंने इसको सर्व किया है थोड़ा सा प्याज और नींबू के साथ, थोड़ी सी भाजी में बटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग लाइकिंग एंड शेयरिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।